क्लोजिंग शो में डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। देखते रहिए शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में, कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट, कंज्यूमर और कारोबार के साथ सियासत, खेल, मनोरंजन और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटो और एजुकेशन की हर हलचल, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करें जी बिजनेस ऐप। जी बिजनेस, आपका फायदा। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। देखते रहिए। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में, कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट, कंज्यूमर और कारोबार के साथ सियासत, खेल, मनोरंजन और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटो और एजुकेशन की हर हलचल, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करें जी बिजनेस ऐप। जी बिजनेस, आपका फायदा। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज प्रस्तुतकर्ता पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश, 51 जड़ी बूटियों और इनमें 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड्स। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता। बैंकर चंदा कोचर की मुश्किलें बड़ी। मुंबई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कोचर पति पत्नी को भेजा 3 दिनों की कस्टडी में। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 201 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हुए शामिल। राहुल ने बीजेपी आरएसएस को बताया नफरत का बाजार।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अगले एक साल तक गरीबों को दिया जाएगा फ्री राशन, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। और देश भर में क्रिसमस की धूम, रंग बिरंगी रोशनी से सजे चर्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। शाम 5 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर आ रही है देश की चर्चित बैंकर चंदा कोचर से जुड़ी हुई। देश की चर्चित बैंकर चंदा कोचर और उनके पति की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं पूरे विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है क्रिसमस से जुड़ी हुई। जी हाँ, देश भर में अब क्रिसमस की धूम जोरों पर है, तो इन तीनों खबरों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले मुंबई से जो खबर सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, चंदा कोचर और दीपक कोचर को लेकर ये बड़ी खबर है। और इस पर पूरी अपडेट के लिए आपको सीधा ले चलते हैं येशा कोटक के पास। येशा, हम देख रहे हैं कि देखिए, दीपक कोचर को मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया गया था उनके पत्नी के साथ। खबर जो सामने आई उसके बाद जो है वो दोनों पति पत्नी की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। अब इस कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट मिल रही है? जी, ये देखा गया था कि क्योंकि चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ हुआ करती थी, उनके खिलाफ वीडियोकॉन को लोन देने के केस में उनकी कल गिरफ्तारी की गई थी सीबीआई के द्वारा दिल्ली में। लेकिन क्योंकि ये मामला मुंबई की कोर्ट में है, इसलिए चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर दोनों को जो है मुंबई की सेशंस कोर्ट, क्योंकि फिलहाल आज शनिवार है और क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही है, तो एक स्पेशल कोर्ट यानी कोर्ट नंबर 50 में दोनों को पेश किया गया था। इसमें ये आर्ग्यूमेंट की गई थी सीबीआई के द्वारा कि उन्हें कस्टडी चाहिए चंदा कोचर और दीपक कोचर, ताकि उनसे आगे की जांच की जा सके, जिसके चलते अभी सोमवार तक दोनों की कस्टडी सीबीआई को दी गई है। इसमें सीबीआई ने कुछ अहम बातें ये रखी थी कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सी और एमडी, तभी उन्होंने वीडियोकॉन को कुछ लोन दिए थे जो जायज़ नहीं थे, और उसके अलावा दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर कंपनी का भी नाम, यहाँ तक कि वेणुगोपाल दूत जो जो वीडियोकॉन के ओनर है उनका भी नाम, ये सबका नाम एफआईआर में मेंशन है। ये एफआईआर जो बात करें वो 2019 की एफआईआर है, लेकिन जहाँ चंदा कोचर और दीपक कोचर की बात करें तो उन्हें कई बार सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, और क्वेश्चनिंग के बाद उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, और जिसके बाद कल रात उनकी गिरफ्तारी की गई है। जहाँ सीबीआई की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 3,250 करोड़ के जो है वो लोन्स दिए गए थे आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ऐसे ही 6 फेजेस में लोन दिए, तकरीबन जो है 2 या 3 साल तक ये लोन दिए जा रहे थे। और ये भी कहा गया सीबीआई के द्वारा कि चंदा कोचर अपने जो जूनियर्स थे उनको भी ये कह रहे थे कि वीडियो को उनको कुछ लोन दिए जा सके। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि चंदा कोचर के खिलाफ जो एफआईआर है वो आईपीसी के तहत है, यहाँ तक कि कुछ और सेक्शंस लगे हुए हैं चंदा कोचर के खिलाफ, और उसमें ये कहा गया है कि अपनी जो पोजीशन थी उसका अनफेयर एडवांटेज लिया था चंदा कोचर ने, और अपने पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर को उन्होंने सपोर्ट किया था, यहाँ तक कि उनके जो घर थे, जो घर में वो रह रहे थे, उसका भी जो है कुछ ट्रांजैक्शंस किए गए थे जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। अच्छा, देखिए उनके ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए थे, साथ ही इन आरोपों के बाद क्या कार्रवाई की गई थी, ये तो हमने कल से अब तक देखा है, और क्या क्या आरोप थे उसके बारे में भी पूरी अपडेट जो है वो हमने दे दी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज जब सेशन कोर्ट में उन्हें खड़ा किया गया, तो इस कोर्ट के दौरान क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकल के आया है कोर्ट से, ये बताइए। कोर्ट में ये बात सामने आई कि ये जो ट्रांजैक्शन जो सीबीआई ने ये जो एलिगेशन लगाया है उसमें एक 17A के जो डॉक्यूमेंट थे वो मिसिंग थी, जिसकी मांग जो है खुद कोर्ट ने सीबीआई के तरफ से की थी, क्योंकि सीबीआई ने हमने देखा कि कल की जो अरेस्ट थी उसके बाद उन्हें मुंबई आज सुबह लाया, यानी चंदा कोचर दीपक कोचर को मुंबई लाया, तकरीबन 12:30 के आसपास दोनों को सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। और जिसके बाद चंदा कोचर के जो वकील है अमित देसाई, उन्होंने ये कहा कि चंदा कोचर और दीपक कोचर दोनों
इन्वेस्टिगेशन में भाग ले रहे थे, यहाँ तक कि इसके पहले भी सीबीआई ने जभी जभी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था तब वो मौजूद थे, तो इसके चलते ये अरेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना था कि क्योंकि चंदा कोचर दीपक कोचर मुंबई से बाहर नहीं जाने रहे और पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो कॉपरेट कर रहे हैं सीबीआई के साथ, तो इसीलिए उनकी जो अरेस्ट है वो जायज़ नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट अनवेद देसाई का था, लेकिन सीबीआई की मांग को देखते हुए 3 दिन की कस्टडी सीबीआई ने कोर्ट ने सीबीआई को दी, यानी सोमवार तक चंदा कोचर और दीपक कोचर दोनों को सीबीआई की कस्टडी में बितानी होगी, जिसके बाद फिर से सोमवार को एक हियरिंग होगी और उसके बाद जो कोर्ट है वो देखेगी सीबीआई के आर्ग्यूमेंट है या सीबीआई के पास जो डिटेल्स है उसमें कितना स्टैंड है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक हॉलीडे कोर्ट था, शनिवार को पेशी हुई थी इसलिए। तो अब ये जो 3 दिन की सीबीआई को हिरासत में दिया गया है, इसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं और सोमवार को क्या कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है सुनवाई के बाद, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल शुक्रिया यशा इस पूरी डिटेल के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर कोरोना से जुड़ी है। कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत के बीच देश में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है। मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अब अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एयरपोर्ट पर टेस्ट के दौरान लक्षण दिखते हैं या फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन यात्रियों को क्वारंटाइन में भी रहना होगा। और इसी बीच देखिए, दिल्ली में एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट भी शुरू हो चुकी है। ये 6 तस्वीरें देखिए। चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे, इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि मनसुख मांडविया ने इस वक्त का एक सबसे बड़ा बयान दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड समेत कई ऐसे देश है जहां से आने वाले लोगों की अब आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही आने वाले वक्त में बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। क्या कुछ कदम हो सकते हैं इस पर पूरी डिटेल देने के लिए मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, अब सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। चीन में तो कोरोना ने फिर एक बार तबाही मचाई है, लेकिन भारत जो है फिलहाल भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि डरने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ कदम उठा रही है सरकार, इसके ऊपर पूरी डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत में वैसी स्थिति नहीं है जैसी चीन या फिर बाकी अन्य देशों में है, लेकिन सरकार अलर्ट पे है और सरकार की लोगों से अपील भी है कि अपने स्तर पे कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहें, वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। इसी बीच सरकार ने 3 अलग अलग आदेश आज जारी किए हैं, जिसमें से कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जहां की इंटरनेशनल यात्री आ रहे हैं उनके हर फ्लाइट में से 2% लोगों के रैंडम सैंपलिंग की बात कही गई थी, वो आज से हर देश के हर एयरपोर्ट में जहां पे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वो शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स को एक आदेश और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यह साफ कहा गया है कि चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक, थाईलैंड ऐसे तमाम देश जो कि चीन के आसपास से हैं या फिर वहां जहां डायरेक्ट फ्लाइट्स चीन से आती हैं उन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य होगा। वो एयर सुविधा ऐप पर वो सारे डिटेल्स भर के ही आएंगे और देश में आने के बाद भी उनकी जांच की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर कोई सिम्टम उनके अंदर दिखता है तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी होगा उनके लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय से एक और चिट्ठी जारी की गई है सभी राज्यों को और यूटीज को, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस तरह से हमने पिछली दोनों वेव्स में देखा था कि ऑक्सीजन की किल्लत पड़ गई थी, तो ऐसे समय में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए
ऑक्सीजन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक बार दोबारा जांचने की जरूरत है, इस तरह का चिट्ठी में लिखा गया है। जितने भी स्वास्थ्य सचिव हैं उन सबको चिट्ठी लिखते हुए इन्होंने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है इन्होंने ये कहा है कि एक मॉक ड्रिल कीजिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑक्सीजन से रिलेटेड उसके लिए, और आपकी जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स की, टैंकर्स की, इसके अलावा अस्पतालों में जो पाइपलाइन से गैस भेज रहे हैं उन सब की, उस मॉक ड्रिल के जरिए उनको जांचिए कि क्या वो दुरुस्त स्थिति में है या नहीं, या फिर अगर उनको अपडेट करने की जरूरत है तो अपडेट कीजिए, और एक पोर्टल बनाइए जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों आपस में जानकारी साझा करते रहे कि किस किस राज्य के पास कितनी ऑक्सीजन है, और अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसको उसकी जो पूर्ति है वो केंद्र करेगा। तो कुल मिलाकर ये 3-4 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो कि आज का अपडेट है कोविड को लेकर। इसके साथ साथ सरकार की अभी भी अपील यही है लगातार कि लोग बाहर अगर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जा रहे हैं तो वहां पर मास्क का प्रयोग करें। दूसरा ये है कि कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। तीसरा ये है कि जिसका भी वैक्सीनेशन पेंडिंग है वो अपने अपनी वैक्सीनेशन के लिए आ गया है, और आज से जो नेजल वैक्सीन है उसको भी इंफ्यूज करने का काम शुरू कर दिया गया है, कोविन पोर्टल पर उसको लागू जारी कर दिया गया है, और वो आज से देश के तमाम से बड़े अस्पतालों में शुरू भी हो गया है। जी बिल्कुल, तो सतर्कता जो है वो बरतनी बेहद जरूरी है, भले ही देश में स्थिति बिगड़ी नहीं हो, उतनी खराब नहीं हो जिस तरीके की चीन की परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद खुद सावधान और सतर्क रहना बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी को देखते हुए सरकार भी अब तैयार हो चुकी है। शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए। तो आइए बात करते हैं क्रिसमस की। कल क्रिसमस है, ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत में भी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस को लेकर जहां शहर के सभी चर्च आकर्षण ढंग से सजाए गए हैं, वहीं बाजार में भी क्रिसमस की पूरी धूम है। मुंबई में क्रिसमस को लेकर क्या माहौल है, इसके लिए सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला है हमारे साथ। नीलेश, क्रिसमस जो है वो मनाने के लिए मुंबई में जो है वो चर्च सज गए हैं, साथ ही बाजार में भी माहौल शानदार है। बताइए इस वक्त आप मुंबई के किस बाजार में हैं और साथ ही वहाँ का माहौल। जी भावना, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, और ख़ास तौर पर जब हम त्योहारों की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो मुंबई शहर की जो तस्वीर होती है वो बेहद खास होती है। और इस वक्त जिस चर्च में हम मौजूद हैं ये मुंबई शहर का सबसे भव्य जो चर्च माना जाता है, सबसे पुराने चर्चेस में एक ये गिना जाता है। करीबन 450 से ज़्यादा सालों से ज़्यादा पुरानी ये चर्च है, जहाँ पर इस बार जो क्रिसमस की धूम है वो साफ दिखने मिल रही है। इस चर्च में विशेष तैयारियाँ की गई हैं, विशेष इसलिए भी क्योंकि 2 सालों के अंतराल के बाद, जिस दरमियान हमने देखा कि कोविड महामारी की लहर छाई हुई थी, उस दरमियान इस चर्च की तरफ से जो श्रद्धालु हैं उनकी आवाजाही पर कुछ हद तक रोक थी। जो दर्शन करना चाहते थे उनके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अब 2 साल के अंतराल के बाद जब कोविड की जो लहर है वो काफ़ी हद तक भारत देश में कंट्रोल में है, उस दरमियान इस चर्च को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। और इस बार एक विशेष तैयारी भी की गई है कि चर्च के जो प्रमाइसिस हैं वहाँ पर जो भक्तगण हैं वो बैठ पाएंगे, साथ ही साथ अंदर की जो सीटिंग है वहाँ पर पूर्ण रूप से उनके लिए आवाजाही खोल दी गई है। एक विशेष बात यहाँ पर यह भी हमें देखने मिल रही है कि इस बार जो कोविड का खतरा, जो उसके नए वेरिएंट का खतरा हमें देखने मिल रहा है, उसको देखते हुए चर्च प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क के प्रति और सेल्फ सैनिटाइजेशन के प्रति जागरूकता उनके द्वारा फैलाई जाएगी। हालांकि ये एक कंपल्शन नहीं है, ये इसको लेकर कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की हम देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपनी तरफ से सुरक्षा को लेकर तैयार है, उसी तरीके से उसी को मद्देनजर रखते हुए चर्च प्रशासन भी अपनी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद जब इस तरीके की भीड़ चर्च पहुंचे तो वो एक सुखद अनुभव हो और लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर तक पहुंचे, और इसी के मद्देनजर रखते हुए इस पूरे चर्च में जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं। आज 9 बजे एक मास प्रेयर की जाने वाली है, और उसी की तैयारियों में जो चर्च है वो जुट चुका है, साथ ही साथ जो शहर भर से जो श्रद्धालु हैं वो एक बड़ी संख्या में चर्च में पहुंच रहे हैं। जी भावना। जी बिल्कुल, तो कल अब जो क्रिसमस मनाया जाएगा इसकी भी अपडेट हम आपसे लेंगे, और किस तरीके का माहौल रहेगा ये भी आप हमें कल तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ माहौल रहा, किस तरीके का सेलिब्रेशन आज के दिन हो रहा है, प्री सेलिब्रेशन, ये भी पूरी जानकारी, और साथ ही क्या सतर्कता बरती जा रही है ये भी आपने बताया। शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने जी बिजनेस के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित सिंह। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि आज का जो इनिशिएटिव है उसमें किन बातों को आपने प्रायोरिटी रखा है? आज का जो अवसर है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, वो हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आज की थीम है कि जो कंज्यूमर कमीशन में केसेज हैं उसका डिस्पोजल कैसे त्वरित गति से किया जाए। तो अभी जैसा हमने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि हमने पेंडेंसी लगभग 16-17% कम कर दी है, और पिछले साल इसी समयावधि में जितने केस हुए थे उसके लगभग दुगने डिस्पोज हुए हैं। तो इसके लिए मैं राष्ट्रीय कमीशन और सारे स्टेट्स कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने डिस्पोजल को बहुत तेज गति दी। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है राइट टू रिपेयर को लेकर, आखिर ये किस तरह से कॉमन मैन को, एक ग्राहक को सहूलियत देगा, सहायता देगा? ये राइट टू रिपेयर की जो परिकल्पना है, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ का उन्होंने पूरे देश को कॉल दिया है उसके अनुरूप है। इसके तहत ई वेस्ट को रिड्यूस करना और रिसाइकल, रीयूज और कंजम्पशन को रिड्यूस करना, उस पर फोकस है। तो कई बार देखा जाता है कि कुछ वाइट गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फार्मिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इंडस्ट्री है वो एक शब्द यूज़ करती है, प्लांट ऑब्सोलेसेंस, मतलब कोई चीज़ 3 साल में ख़राब हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, और उपभोक्ता ने जो कीमत चुकाई है उसकी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल हो। उसमें एक रिपेयर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस पोर्टल के माध्यम से रिपेयर की क्या व्यवस्था है, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या केवल कंपनी रिपेयर करेगी या ऑथोराइज थर्ड पार्टी रिपेयरर्स हैं, ये सूचना एक जाहिर रूप से उपलब्ध रहेगी तो उपभोक्ता को आसानी होगी। तो केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले में उन्होंने बताया कि 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 2 से 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर देती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार मुफ्त अनाज देने का पूरा खर्चा उठाएगी। खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा, बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। अब खबर है एड मार्केट से जुड़ी हुई। नए साल में भारत के एड मार्केट में बेहतर ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। जी हाँ, ये कहना है मार्केटिंग एजेंसी डेंसू का। डेंसू की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है, क्या है खास, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरुण। वरुण, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और साथ ही अगला साल जो है वो एड एजेंसी के लिए कैसे शानदार रहेगा? देखिए, साल 2023 में एडवर्टाइजमेंट मार्केट में काफ़ी बेहतर ग्रोथ होने वाली है और भारत जो है इसमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश होने वाला है, ये कहना है टोक्यो की मार्केटिंग एजेंसी डेंट्सू का। जैसे इनका कहना है कि भारत में जो एडवर्टाइजमेंट ग्रोथ होगी वो करीब 14.7% के आसपास रह सकती है। हालांकि 2022 के मुकाबले जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि 2022 में इनका अनुमान है कि 18% की ग्रोथ होगी और 2023 में करीब 14.5-15% के आसपास की। लेकिन दुनिया भर के मार्केट के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो भारत में एडवर्टाइजमेंट मार्केट की ग्रोथ जो है वो सबसे तेज़ी से होने वाली है। 2024 में 15.5%, 2025 में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 15% के आसपास का ग्रोथ का अनुमान इन्होंने लगाया है, और जो मार्केट साइज़ है वो $12.6 बिलियन के आसपास पहुँच सकता है। इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी जाएगी भारत में, करीब 32% के आसपास की ग्रोथ का इनका अनुमान है। और इनका कहना है कि डिजिटल एड्स जो है उनका मार्केट शेयर बढ़ के 40% के आसपास पहुंच जाएगा और टीवी एडवर्टाइजमेंट के मार्केट शेयर से भी ये ज़्यादा रहने वाला है 2023 में। इनफैक्ट दुनिया भर में
डिजिटल एड्स का जो शेयर है वो 57%, 2024 में 58 और 2025 में करीब करीब 59% लेने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो ग्रोथ है ग्लोबली डिजिटल स्पेंड्स में वो थोड़ी कम रहेगी, 2022 में करीब करीब 13.5-14% के आसपास का अनुमान है, जो कम होकर 7-7.5% पहुँच सकती है। सिर्फ यही नहीं, न्यूज़पेपर्स में जो स्पेंड्स है उसमें तो 3.5% के आसपास की गिरावट का अनुमान ये लगा रहे हैं। हालांकि गूगल ने भी एक रिपोर्ट निकाली और गूगल के मुताबिक भी भारत में जो एड टू GDP रेशियो है बेसिकली वो काफ़ी कम है ग्लोबली के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली 0.6-1% के आसपास में है, जबकि भारत में केवल 0.4% के आसपास है। इसके लिए डिजिटल एड स्पेंड्स में जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट ओवरऑल एड स्पेंड्स में अगर आप देखेंगे तो भारत काफ़ी पीछे है। इसके लिए भी आपको काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिलेगी। हालांकि गूगल का कहना है कि 2023 में एड स्पेंड्स जो है उसमें थोड़ा बहुत डिजिटल एड स्पेंड्स जो है उसमें थोड़ा बहुत आपको नरमी देखने शायद मिल सकती है, क्योंकि इस बार बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट काफ़ी सारी और एजेंसीज़ है जैसे ग्रुप एम है, उनके रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एड रेवेन्यूज जो है उसमें करीब करीब 16-17% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, जबकि दुनिया भर में जो एड रेवेन्यूज़ है उसमें 5-6% के आसपास की अनुमान जो ग्रोथ है वो रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एड स्पेंड्स अगर आप देखेंगे तो उसमें 2023 में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हाँ, इस साल के मुकाबले ग्रोथ थोड़ी कम होगी, लेकिन भारत जो है वो दुनिया में सबसे तेज़ी से एड मार्केट्स में बढ़ने वाला जो देश है वो अभी भी बना रहेगा, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और खासकर डिजिटल एड्स में जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। बिल्कुल, तो एड मार्केट में भारत जो है उसकी ग्रोथ आने वाले वक्त में भी शानदार रहने की उम्मीद जो है वो कई एजेंसीज लगा रही है। शुक्रिया वरुण इस पूरी डिटेल के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक टॉप 10 में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े 10 अपडेट्स के बारे में। एप्पल एयरटैग के लेटेस्ट प्रिवेसी फीचर से लेकर व्हाट्सएप के एक्सीडेंटल डिलीट फीचर तक, चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या क्या हुआ लॉन्च। एप्पल ने अपने लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट में रिवील किया एक बहुत ही काम का फीचर। इस फीचर से अगर कोई भी सस्पिशियस अनलिंक्ड डिवाइस आपको ट्रैक कर रहा है तो आपका एयरटैग आपको अलर्ट भेजेगा। प्रिसिजन फाइंडिंग की मदद से यूजर्स ढूंढ पाएंगे कि एग्जैक्टली डिवाइस कहाँ है। इससे स्टॉकिंग जैसे क्राइम से बचा जा सकेगा। WhatsApp पर अब रोल आउट होगा ऐसा फीचर जिससे एक्सीडेंटली डिलीट किए गए मैसेज को वापस लाया जा सकेगा। कई बार हम मैसेज भेजकर डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी कर देते हैं, जो कि काफ़ी एम्बैरसिंग हो जाता है, लेकिन अब यूजर्स को 5 सेकंड का समय मिलेगा ताकि मैसेज वापस आ सके और उसे अनडू किया जा सके। एप्पल ने आईफोन 16 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यमुना अथॉरिटी में लैंड के लिए किया अप्लाई। INS की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया में हुई एक लेटेस्ट मीटिंग में एप्पल और 3 एसोसिएटेड कंपनीज ने ये इन्फॉर्मेशन रिलीज की है। आईफोन 16 के प्रोडक्शन यूनिट के लिए करीब 2800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। ट्विटर ने रोल आउट करने शुरू किए अलग अलग कलर के वेरिफिकेशन टिक मार्क्स। गवर्नमेंट रिलेटेड अकाउंट्स के लिए ट्विटर ने ग्रे टिक रोल आउट किया है, वहीं कंपनीज के लिए गोल्ड वेरिफिकेशन मार्क रोल आउट किया गया है। अगर बात करें इंडिविजुअल्स की तो इंडिविजुअल्स के लिए ब्लू टिक मार्क ही रहेगा। पेबल ने लॉन्च की अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच पेबल कॉस्मोस एंड्योर। 1.46 इंच लार्ज एमोलेड डिस्प्ले से लैस ये स्मार्ट वॉच IP68 रेटिंग के साथ आती है। इसके साथ इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मौजूद है। ये फुल अलॉय केस के साथ आती है जो इसे शॉक प्रूफ बनाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये स्मार्ट वॉच 7 दिन के यूजेज टाइम के साथ आती है, साथ ही इसमें 30 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम भी मिलता है। Amazon Prime Gaming हुआ भारत में लॉन्च। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जिससे इंडियन गेमर्स कई गेमिंग टाइटल्स को एक्सेस कर सकेंगे। इसमें मोबाइल, PC और मैक गेम्स तीनों अवेलेबल होंगे। इस सर्विस से लीग ऑफ लेजेंड्स, डेथ लूप, क्वेक, COD सीजन 1, FIFA 23 जैसे कई पॉपुलर गेम्स को एक्सेस किया जा सकेगा।
गूगल ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गूगल फॉर इंडिया इवेंट। इस इवेंट में गूगल ने इंडिया के लिए अपने आगे का एक्शन प्लान लेआउट किया है, जिसमें यूट्यूब कोर्सेज से लेकर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन तक सबकी बात की गई है। इसके साथ गूगल ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट रिपोर्ट भी शेयर की, जिसके मुताबिक इंडियन क्रिएटर्स ने 2021 में इंडिया के जीडीपी में करीब 10,000 करोड़ कंट्रीब्यूट किए हैं। साथ ही गूगल की मदद से 7.5 मिलियन क्रिएटर्स को जॉब भी मिली। स्नैपचैट प्लस पर लॉन्च हुए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। इस फीचर से कैमरा कैप्चर बटन, एप्लीकेशन आइकन्स और भी बहुत कुछ कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके साथ चैट वॉलपेपर्स का ऑप्शन भी इसमें आएगा। ये फीचर नॉर्मल स्नैपचैट यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ स्नैपचैट प्लस यानी कि पेड वर्जन के लिए अवेलेबल होगा। नेटफ्लिक्स पर 2023 में पासवर्ड शेयरिंग होगी बंद। मैक रूमर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्ली 2023 में ऐसा किया जा सकता है। पासवर्ड शेयरिंग से नेटफ्लिक्स को हाल ही में काफी हैवी रेवेन्यू डाउनफॉल और सब्सक्राइबर लॉस भी देखने को मिला है। व्हाट्सएप ने किए 37 लाख अकाउंट्स डिलीट। न्यू आईटी रूल्स 2021 से कंप्लाई करने के लिए नवंबर में इन अकाउंट्स को हटाया गया है। स्पैम या इनअप्रोप्रिएट अकाउंट्स या उन अकाउंट्स को जिन्हें रिपोर्ट किया गया हो, उन्हें व्हाट्सएप ने हटाया है। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें और इन खबरों के साथ वक्त हो चला है यहीं रुकने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।